हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रौनक, आप लोगों का स्वागत है मेरा चैनल रौनक टेक में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कि कोई किसी का स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस आपको पसंद आ गया है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप्स। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो देखिए, आपको व्हाट्सएप जाना है। देखिए, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस मेरा डाउनलोडेड है, मैं देख चुका ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्टेटस आपको पसंद आया है, ये सेव करना चाहते हो तो होम आना है, फाइल मैनेजर पे जाना है, इंटरनल स्टोरेज, व्हाट्सएप का फोल्डर आपको ढूंढना है। ये देखिए व्हाट्सएप का फोल्डर, यहाँ पे जो मीडिया नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको व्हाट्सएप स्टेटसेस दिखेगा, स्टेटसेस में क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए वो पिक्चर है, यहाँ पे देखिए पिक्चर है। ये जो फोल्डर है ना, मीडिया स्टेटसेस जो फोल्डर है, ये वाला, ये फोल्डर आपका टेम्पोररी फोल्डर है। ये फोल्डर जो है वो डिलीट होता रहता है, मतलब आप जो भी स्टेटस को सीन करते हो, सीन करने का मतलब जो स्टेटस देता है उसको अगर आप सीन करते हो, माने डाउनलोड करते हो, तो आके यहाँ पे जमा होता है और ये 24 आवर्स के बाद डिलीट भी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो क्या करना है, इसको होल्ड करना है, मूव, और इसको बाहर कहीं भी आप दे सकते हो, इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड, कहीं भी आप मूव हेयर कर दे, ठीक है। देखिए स्टेटस अभी सेव हो गया, ये आप अगर गैलरी में जाएंगे ना तो ये दिखने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। मैं ये फुल प्रोसेस जो है वो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी पूछना हो तो कॉमेंट ज़रूर करना। अब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर।